News 18, इंडिया। मुख्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा हमला किया है कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस अपने नेताओं के साथ भी न्याय नहीं कर पा रही, अपने गठबंधन के साथ भी न्याय नहीं कर पा रही। कांग्रेस ने न्याय नहीं किया है। अनुराग ठाकुर आईएनबी मिनिस्टर का बड़ा अटैक है, सहयोगी दल उसके साथ न्याय नहीं कर पा रही है। यानी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जेडीयू, कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहा है टीएमसी, और कांग्रेस बड़े नेता मुलाकात नहीं करते, राहुल से मिले भी नहीं। ममता, ये कहा है अनुराग ठाकुर ने। मेरे साथ गिरिराज सिंह इस समय जुड़ रहे हैं। गिरिराज जी, अभिनंदन आपका न्यूज 18 पर। मेरा सवाल बहुत सीधा है, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं, क्या आपको लगता है कि नीतीश जी का आना 2024 में बीजेपी की राह को आसान करेगा? जिसको आप लाइबिलिटी समझते थे वो तो एसेट निकला नीतीश बाबू। नहीं नहीं, ना हम एसेट समझा है। ये परिस्थितियां थी कि नीतीश कुमार अपने छोड़ करके गए थे, अगर लालू प्रसाद यादव के साथ रहते तो कुछ ही हफ्तों में लालू प्रसाद यादव इनका मेंटल टॉर्चर करके इनको गद्दी से हटाता और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाता। भारतीय जनता पार्टी को ये बर्दाश्त नहीं, क्योंकि फिर जंगल राज 2 की स्थापना होती और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए बिहार को लालू जी का जंगल राज 2 न देखना पड़े। 1.5 साल जो लालू जी के साथ सरकार चली नीतीश कुमार, आपने देखा होगा हत्या, लूट, बलात्कार, जंगल राज 2 की स्थिति आ गई थी। हमने बिहार के लिए कुर्बानी दी है। लेकिन 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 सवाल ये खड़ा होता है कि जिस राज को आप जंगल राज 2 भी कहते थे, आप हो गए, आपके और नेतागण हो गए, आप बाकी मंत्री हो गए, आज उसी शासन के साथ आप दिख रहे हैं, तो क्या आपको लगता नहीं है कि जनता में इसका मैसेज थोड़ा खराब चला जाएगा? बिल्कुल नहीं, जंगल राज 2 नीतीश कुमार 19 में हमारे साथ चुनाव लड़े, 20 में हमारे साथ चुनाव लड़े और ये भाग के गए 22 में, और 22 में जब से गए हैं तो ये जंगल राज 2 हुआ। हम उसी के लिए, परमानेंट जंगल राज 2 ना हो इसके लिए नीतीश कुमार के साथ आए, और जो स्थितियां बनी है उसको, जंगल राज की अव्यवस्था जो हुई है उसको ठीक करने का भी दायित्व हम पर है। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्या आपको लगता है कि खास तौर पर इंडिया गठबंधन का पटाक्षेप हो गया है, जैसे बार बार बीजेपी कह रही है, लेकिन अभी भी कुछ दल इंडिया गठबंधन के साथ हैं, तो वो खतरे की घंटी है आप लोगों के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कभी भी पहले भी खतरे की घंटी नहीं थी। महाराष्ट्र में 1-1 चुनाव, आप मध्य प्रदेश में 1-1 चुनाव, राजस्थान में 1-1 चुनाव, छत्तीसगढ़ में 1-1 चुनाव, बिहार में हम सामना ही कर रहे थे, बंगाल में हम लड़ने के लिए तैयार 1-1, आसाम में 1-1, हमें कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। इंडी गठबंधन की हाल तो वही हुई, ऊपर से फीट फाट, हमारे बिहार में कहावत है भीतर से मोकामा घाट। ये आज एक गाना भी है ना, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरे कोई वहाँ गिरे, जो नीतीश एक चलते चलते, क्योंकि आप गाने की बात कर रहे हैं, नीतीश बाबू के आने पर कौन सा गाना गाएंगे आप लौट चले? नीतीश बाबू के आने पर नहीं, लालू जी को जंगल राज से हटाने पर गाना गाएंगे, क्योंकि अगर तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो गई हो, क्या गाना होगा वो? वो गाना जब होगा, रिकॉर्ड बजेगा, जो उन्होंने कहा है कि खेला होगा, उसी खेला में गाना गाया जाएगा। चलिए चलिए गिरिराज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आपसे पहली बार बात हो रही है, तो जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो क्या महसूस किया आपने रामलला की? महसूस यही किया कि देश में इतना उम्र हो गया, दीपावली उत्साह के साथ, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा घर नहीं बचा था सनातनियों को का जहां उत्सव नहीं हो रहा था। ये एक तरह से सनातन पुनर्जागरण का एक उमंग था पूरे देश के अंदर। इसीलिए मैं कहता हूं,
अयोध्या तो झांकी है, रामलला की लीला भी बाकी है। चलिए, बड़ा आपने बड़ी बात बोल दी कि अयोध्या झांकी है, रामलला की लीला अभी बाकी है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आप न्यूज 18 के साथ जुड़े आज इस महत्वपूर्ण दिन पर। बहुत बहुत धन्यवाद गिरिराज जी आपका।